हेलो स्टूडेंट्स, आरके क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है तो और प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या हैं और प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण क्या है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे और प्रकाश अपवर्तन की घटना होती क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो अब आपके पास में प्रकाश अपवर्तन की घटना क्यों होती है, क्योंकि आपके पास में जब प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में क्या करती है, गति करती है, तो उसका वेग बार बार क्या होता है, परिवर्तित होता है और वेग परिवर्तित होने के कारण क्या होती है, प्रकाश अपवर्तन की घटना होती है। अब उससे आगे ध्यान देना कि आपके पास में जो प्रकाश अपवर्तन है वो होता क्या है, एक बार दोबारा से थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बता देता हूं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम की पृथक्कारी सतह के ऊपर अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आपके पास में प्रकाश अपवर्तन के अंदर जब प्रकाश किरण कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान से सुनना, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। विरल से सघन में करेगी तो अभिलंब की ओर क्या करेगी, झुकेगी। परंतु जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब इससे अगले वाला जो आपके पास में टॉपिक है वो है आपके पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें क्या क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है, वो इसके बारे में हम क्या करेंगे, इस क्लास में जिक्र करेंगे। तो ध्यान से सुनना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 10th में बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो अब आपके पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, ध्यान से सुनना। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास में जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती जाती है। अर्थात आपके पास में जो अपवर्तन कोण आर है उसका मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपके पास में जो अपवर्तित किरण है, जो अपवर्तित किरण है वो पृथक्कारी सतह के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। या आपके पास में जो आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण आईसी कहते हैं। तो आपके पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम के अंदर क्या होती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसको मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूं, अच्छे से समझना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। अब माना आपके पास में दो क्या है, माध्यम है। एक माध्यम आपके पास में सघन माध्यम है और दूसरा माध्यम आपके पास में क्या है, विरल माध्यम है। ये आपके पास में क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम में हम क्या ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, शीशा ले सकते हैं। और दूसरा आपके पास में कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। और विरल माध्यम के अंदर हम क्या ले सकते हैं, हवा, एयर ले सकते हैं। तो अब आपके पास में ये जो सघन माध्यम है,
इसके साथ में एक क्या जोड़ते हैं हमें, प्रकाश स्रोत जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? प्रकाश स्रोत जोड़ते हैं। तो यहां पे मान लिया आपके पास में कोई क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत। अब यहां पे ध्यान देना, अभी मैंने क्या बताया है, जब कोई प्रकाश की किरण किरण से माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर रहती है। तो यहां से एक प्रकाश की किरण क्या कर रही है, यहां पे जा रही है, यहां पे इसका क्या है, अभिलंब है। क्योंकि जो अभिलंब होता है वो कौन सी सतह के ऊपर होता है, पृथककारी सतह के ऊपर होता है और उसके क्या होता है, लंबवत होता है। तो आपके पास में ये क्या है, आप एक आपतित किरण है। तो यहां ये जो आपतित किरण है ये जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होती है, यह है अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अर्थात आपके पास में आपतन कोण का जो मान है आई है और अपवर्तन कोण का मान कितना है, आर है। कितना है, आर है। अब यहां पे ध्यान देना कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास में जो अपवर्तित किरण है वो क्या होती जाएगी, अभिलंब से दूर होती चली जाएगी। अभिलंब से क्या होगी, दूर होती चली जाएगी। अर्थात आपके पास में अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपके पास में अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके पास में जो अपवर्तन कोण है, जो अपवर्तन कोण है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। या आपके पास में जो अपवर्तित किरण है वो पृथककारी सतह के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण आईसी। तो ध्यान देना भाई यहां पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी क्रांतिक कोण की, कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर आपके पास अपवर्तित किरण पृथककारी सतह के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, या आपके पास अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण आईसी कहते हैं। अब यहां पे ध्यान देना कि क्रांतिक कोण के ऊपर आपके पास जो अपवर्तित किरण है वो पृथककारी सतह के ऊपर क्या हो रही है, उसके समांतर क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। परंतु अगर हम जो आपतन कोण आईसी है वो आपतन कोण आई है उसका मान क्रांतिक कोण से भी क्या कर देते हैं, अधिक कर देते हैं, क्रांतिक कोण से भी क्या कर देते हैं, अधिक कर देते हैं, तो आपके पास में यह जो अपवर्तित किरण है, यह जो अपवर्तित किरण है वो उसी माध्यम के अंदर वापस क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो दोबारा से डेफिनेशन सुनना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, जब आपके पास में आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण क्रांतिक कोण आईसी से अधिक कोण के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है। क्रांतिक कोण आईसी से अधिक कोण के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है। तो वह अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहां पे नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण संपूर्ण रूप से आंतरिक उसी के अंदर परावर्तन, परावर्तित होना। तो आपके पास में जो प्रकाश किरण है जिस माध्यम में गई है उसी माध्यम के अंदर क्या हो जाती है, वापस अपवर्तित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पर यहां पे ध्यान रखना कि आपके पास में पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होगा वो कितने कोण के बाद होगा, क्रांतिक कोण आईसी के बाद ही होगा। क्रांतिक कोण आईसी से पहले जो प्रकाश किरण है वो कौन से माध्यम में अपवर्तित हो रही है,
दूसरे माध्यम में क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है, और क्रांतिक कोण के ऊपर पृथक्कारी सतह के क्या हो रही है, समांतर हो रही है, परंतु क्रांतिक कोण से अधिक कोण के ऊपर क्या होती है, उसी माध्यम के अंदर क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है या वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिकी परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन दोबारा से सुन लेना, जब कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिकी परावर्तन कहते हैं। और आपके पास में यहां बोर्ड एग्जाम के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन पूछी जाती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। अब इसके अंदर आपके पास में तीन पॉइंट आए हैं, आपके पास में एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां है। तो आपके पास यहां पे ध्यान देना, इसको हम आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक परावर्तन। तो मैं आपको आंतरिक परावर्तन भी समझा देता हूं। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट आपके पास में आ गया आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। तो आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, डेफिनेशन ध्यान से सुनना। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तब उसका कुछ भाग दूसरे माध्यम में क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, तथा शेष भाग उसी माध्यम में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहां पे ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका कुछ भाग क्या हो जाता है, दूसरे माध्यम में क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, परंतु शेष जो भाग है उसी माध्यम के अंदर क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका साधारण सा अगर देखें तो आपके पास में हमारा जो हाथ है, हाथ के नीचे हम टॉर्च को जलाकर लगाते हैं तो हमें हमारा रक्त खून दिखाई देता है। तो आपके पास में यहां पे ध्यान देना, ये जो खून दिखाई दे रहा है वो किसके कारण दिखाई दे रहा है, आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पास में कुछ प्रकाश किरणें क्या होती हैं, दूसरे माध्यम में बाहर अपवर्तित हो जाती हैं, और कुछ प्रकाश किरणें जो बची हुई है वो उसी माध्यम के अंदर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, फैल जाती है। तो इसके कारण ये घटना हमें दिखाई देती है और जिसे हम क्या कह रहे हैं, आंतरिक परावर्तन कह रहे हैं। तो अब इससे अगले वाला जो टॉपिक आपके पास में, वो है आपके पास में क्रांतिक कोण आईसी, क्रांतिक कोण आईसी। तो क्रांतिक कोण आईसी किसे कहते हैं, डेफिनेशन हम यहां से बना सकते हैं आसानी से, कि आपके पास में आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण पृथक्कारी सतह के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, जिस पर अपवर्तित जो किरण है वो पृथक्कारी सतह के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, या अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण आईसी कहते हैं। अब आपके पास क्रांतिक कोण आईसी हो गया, अब इसके अंदर अब जो टॉपिक है उसको ध्यान से सुनना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, शर्तें कौन कौन सी हैं, शर्तें आपको ध्यान होंगी तभी आप डेफिनेशन को सही तरीके से लिख पाओगे। तो आपके पास में शर्तें, शर्तें क्या क्या हैं, तो ध्यान से सुनना। पहली शर्त क्या है, कि जो प्रकाश की किरण है वो सदैव कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तभी आपके पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपको देखने को मिलेगी, अन्यथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड जो इसकी शर्त है वो क्या है, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आपके पास में जो
प्रकाश किरण है वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण के ऊपर क्या होनी चाहिए, आपतित होनी चाहिए। क्रांतिक कोण आईसी से अधिक कोण के ऊपर क्या होनी चाहिए, आपतित होनी चाहिए, तभी आपके पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना आपको देखने के लिए मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो इसकी कितनी शर्तें हो गई, दो शर्तें हो गई। पहली शर्त क्या है कि जो प्रकाश की किरण है वो सदैव कौन से माध्यम में जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि आपके पास में जो आपतन कोण का मान है वो सदैव किससे अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण आईसी से अधिक होना चाहिए। तो ये हो गई इसकी शर्तें। अब इसके एक दो उदाहरण भी समझ लेते हैं। तो आपके पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या है अभी हम समझेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपके पास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या है और इनको हम कैसे, इनके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण के अंदर जो पहला उदाहरण है वो है आपके पास में मरीचिका। क्या है? मरीचिका। मरीचिका किसे कहते हैं पहले ये सुनना। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों के अंदर जब हम सड़क के ऊपर चलते हैं तो सड़क के कुछ दूरी के ऊपर हमें पानी के जलाशय भरे हुए दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? पानी के जलाशय भरे हुए दिखाई देते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि आगे सड़क के ऊपर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। या फिर आपके पास में रेगिस्तान के अंदर पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो आपके पास में क्या वास्तव में पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब होते हैं? नहीं। या फिर आपके पास में वास्तव में सड़क के ऊपर पानी भरा होता है? नहीं। तो आपके पास गर्मियों के दिनों के अंदर सड़कों के जलाशय तथा रेगिस्तान में पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देना क्या है? एक दृष्टि भ्रम। क्या है? दृष्टि भ्रम। हमारी एक दृष्टि का भ्रम है। तो आपके पास इस दृष्टि भ्रम को ही हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीचिका। तो ये जो मरीचिका है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। क्यों होती है उसको मैं अभी आपको समझा देता हूं कि आपके पास में गर्मियों के दिनों के अंदर, गर्मियों के दिनों के अंदर सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें क्या करती है? पृथ्वी के ऊपर टकराती है। क्या करती है? पृथ्वी के ऊपर टकराती है, जिसके कारण पृथ्वी के समीप की वायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। जिसके कारण पृथ्वी के समीप की वायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। परंतु पृथ्वी से ऊपर जो वायुमंडल है, पृथ्वी से ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल की वायु क्या होती है? सघन होती है। क्या होती है? सघन होती है। ध्यान देना कि गर्मियों के दिनों के अंदर सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों के कारण पृथ्वी के समीप की वायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। परंतु जो वायुमंडलीय वायु है पृथ्वी के ऊपर वो क्या होती है? सघन होती है। इसलिए प्रकाश किरणें कौन से माध्यम में आ रही है? ये तो आपके पास सघन माध्यम हो गया और ये आपके पास में क्या है? विरल माध्यम। ये आपके पास में विरल माध्यम है और ये आपके पास में कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरणें कौन से माध्यम में आ रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो ये जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण के ऊपर क्या होती हैं? आपतित होती हैं और इनका क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। उसी माध्यम के अंदर वापस क्या करती हैं? लौट जाती हैं। इस कारण से गर्मियों के दिनों के अंदर सड़कों के ऊपर पानी के जलाशय या रेगिस्तान में उल्टे पेड़ों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास पहला उदाहरण। सेकंड उदाहरण है इसका हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। तो ध्यान देना, हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हीरा क्यों चमकता है तो ध्यान से सुनना, हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा क्या होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, क्योंकि जब हीरे को
घिसा या काटा जाता है। जब हीरे को बनाया जाता है तो इस प्रकार से घिसा या काटा जाता है कि उसमें क्या बन जाए, हल्के बन जाए, ऐसे उसमें क्या बन जाए, फलके बन जाए। और जब कोई प्रकाश की किरण एक फलक से क्या करती है, हीरे के अंदर प्रवेश करती है, तो वहां उसका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। फिर दूसरी फलक भी उसका क्या कर देती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देती है। इस प्रकार से बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण हीरा क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 2.4 होता है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 2.4 होता है। तो हीरे को बनाते वक्त इस प्रकार से घिसा या काटा जाता है कि उसमें क्या बन जाए, फलके बन जाए। जब कोई प्रकाश की किरण एक फलक से क्या करती है, प्रवेश करती है, तो उसका बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण हीरा क्या होता है, हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इससे आगे आपके पास में और काफी सारे उदाहरण है, वो हम आगे आप चलोगे जैसे साइंस में जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। कि आपके पास अगला हो जाएगा पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये काफी सारे इसके उदाहरण है, ये आगे की क्लासों में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसके उदाहरण नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए आपको बता दिए हैं। तो अब उससे आगे आपके पास में जो टॉपिक है वो आपके पास में वर्ण विक्षेपण, और वर्ण विक्षेपण के ऊपर भी बोर्ड एग्जाम के अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना भाई, वर्ण विक्षेपण होता क्या है, अगला टॉपिक आपके पास में वर्ण विक्षेपण होता क्या है। इससे पहले वर्ण विक्षेपण पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा प्रिज्म की, किसकी, प्रिज्म की। तो आपके पास में प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म होता क्या है कि आपके पास में दो पारदर्शी समतलों को किसी एक कोण के ऊपर क्या करके झुका दिया जाता है। आपके पास में दो पारदर्शी क्या है, समतल है, जिनको एक कोण के ऊपर क्या कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है। तो बना हुआ जो पारदर्शी माध्यम है, उस पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, हमें प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो अब टॉपिक के ऊपर आते हैं कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो यहां ध्यान देना कि आपके पास में जब प्रकाश की किरणों को प्रिज्म की एक फलक के ऊपर डाला जाता है, तब वह प्रिज्म में प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं। कि क्या कहते हैं, परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्षेपण या विक्षेपण। अभी वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन नहीं हुई है तो दोबारा से सुनना, जब प्रकाश की एक किरण को प्रिज्म की एक फलक के ऊपर डाला जाता है, तब वह प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तो अब उससे आगे ध्यान से सुनना, हमें तो डेफिनेशन किसकी निकालनी है, वर्ण विक्षेपण की निकालनी है। तो यहां ध्यान देना, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म की एक फलक के ऊपर डाला जाता है, तो वह प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सात अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है।
जिसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है आपके पास में अलग अलग रंगों में विभाजित होना, विक्षेपण आपके पास ही आ गया। अब आपके पास में जो सात रंग प्राप्त हुए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 सात हो गए आपके पास में। तो ये जो सात रंग प्राप्त हुए हैं ये एक व्यवस्थित क्रम में प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? एक व्यवस्थित क्रम में प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। सात रंगों का जो व्यवस्थित क्रम है उसे हम क्या कह रहे हैं? स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। अब आपके पास में यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में जिस रंग का तरंग है ये सर्वाधिक होगा, जिस रंग का तरंग है ये सर्वाधिक होगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास में ये प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सातों रंग अलग अलग क्यों हो जाते हैं, सातों रंग अलग अलग क्यों हो जाते हैं, इनका रीजन भी अच्छे से समझना। क्योंकि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सभी रंगों का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी रंगों का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। और वेग अलग अलग होने के कारण ये सातों रंग क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पे ध्यान देना, जिस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा, जिस रंग का तरंग धैर्य क्या होगा? सबसे अधिक होगा, उस रंग का विचलन क्या होगा? सबसे कम होगा। वो सबसे कम क्या होगा? घूमेगा। तो जिस रंग का तरंग धैर्य क्या होता है? सबसे कम होता है। उसका विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसी कारण से स्पेक्ट्रम के अंदर, इसी कारण स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाल रंग है वो क्या होता है? सबसे ऊपर होता है। और जो बैंगनी रंग होता है वो क्या होता है? सबसे नीचे होता है। तो आपके पास यहां, क्योंकि आपके पास में जो लाल रंग है उसका तरंग धैर्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और जो बैंगनी रंग है उसका तरंग धैर्य क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ये हो गया आपके पास में वर्ण विक्षेपण। अब इसके अंदर जो रंगों का क्रम है वो किससे, कौन से सूत्र से निकालते हैं? विब जी वी आई बी जी योर से, वाई ओ आर, वाई ओ आर। तो यहां पे आपके पास में रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉयलेट, तो आपके पास क्या क्या हो जाएगा? लाल होगा, नारंगी होगा, पीला होगा, हरा होगा और नीला होगा, और आपके पास आसमानी होगा, और कैसा होगा? बैंगनी होगा। कैसा होगा? बैंगनी। तो ये रंगों का क्रम आपको किससे निकाल सकते हैं? विब जी ओर से। तो इस सूत्र को याद रखना, वी आई बी जी वाई ओ आर। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, वी आपके पास क्या है? वॉलेट। कौन सा है आपके पास में? बैंगनी। इंडिगो कैसा है आपके पास में? इंडिगो जो आपके पास में है। उसके बाद ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, जो भी है इससे हम क्या कर सकते हैं? रंगों का क्रम निकाल सकते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? डेफिनेशन दोबारा से सुन लेना। जब सफेद प्रकाश को प्रिज्म की एक फलक के ऊपर डाला जाता है तो वह प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सात अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण के अंदर जो रंगों का क्रम होता है वो विभजी ओर के अनुसार होता है। और आपके पास जिस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। और जिस रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है उसका विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि स्पेक्ट्रम के अंदर लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होने के कारण सबसे ऊपर, और बैंगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होने के कारण क्या होता है? सबसे नीचे होता है। तो ये हो गया आपके पास वर्ण विक्षेपण। अब इससे अगले वाला जो टॉपिक है वो है आपके पास में लेंस। क्या है? लेंस। तो लेंस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। हमने दर्पण के, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार का होता है, और आपके पास में लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, और उससे अगले वाला टॉपिक होगा लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होंगे, वो हम अभी
पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक आपके पास में वो है आपके पास में लेंस। क्या है? लेंस। तो लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझना कि आपके पास में दो पारदर्शी वक्रीय, दो पारदर्शी वक्रीय या एक पारदर्शी तथा एक पारदर्शी वक्रीय तथा एक समतल से घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम है। मान लिया आपके पास में दो वक्रीय हैं या फिर आपके पास एक वक्र तथा एक समतल पारदर्शी से घिरा हुआ जो माध्यम है, पारदर्शी माध्यम, उस माध्यम को क्या कहते हैं? हमें लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ध्यान रखना जो लेंस है एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी माध्यम है जिसमें हम आर पार क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो आपके पास में डेफिनेशन को दोबारा से सुन लेना कि आपके पास में दो वक्रीय पारदर्शी या एक वक्रीय पारदर्शी तथा एक समतल से गिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम है उस माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब आपके पास में जो लेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। जैसे आपके पास में गोलीय दर्पण कितने प्रकार का था? दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। उसी प्रकार आपके पास में जो लेंस है वो भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है आपके पास में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो यहां पे ध्यान देना भाई, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन अच्छे से समझना कि वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या होता है? पतला होता है, उस लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। तो दोबारा से डेफिनेशन सुन लेना, वह लेंस जो बीच में से क्या होता है? मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है? पतला होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अभी यहां पे उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? इसका रीजन समझिए, जब उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणों को डाला जाता है, जब उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो वह अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु के ऊपर क्या करती हैं? जाकर मिलती हैं। अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलती हैं, या उत्तल लेंस सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु के ऊपर क्या कर देता है? एकत्रित कर देता है, जिसे क्या कहते हैं हमें? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए हम उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये आपके पास में कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस है। वहां पे अभिसारी दर्पण कौन सा था भाई? अवतल दर्पण था। क्या था? अवतल दर्पण। ध्यान रखना कि यहां पे उत्तल लेंस अभिसारी है, वहां पे अवतल दर्पण क्या था? अभिसारी दर्पण था। तो सेकंड आपके पास में अवतल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? ध्यान से सुनना कि वह लेंस जो क्या होता है? बीच में पतला तथा किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। बीच में पतला तथा किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं हमें? अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। तो यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में अवतल लेंस को हमें अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्यों कहते हैं? इसका रीजन तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके पास में जब प्रकाश किरणों को किसके ऊपर डाला जाता है? अवतल लेंस पर डाला जाता है, तो अवतल लेंस सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। परंतु जब उनको पीछे की ओर बढ़ाकर देखा जाता है तो एक बिंदु से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो प्रकाश किरणों को फैलाने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आएगी होगी
कि आउटर लेंस किसे कहते हैं, वेयर लेंस, जो बीच में पतला तथा किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, और आउटर लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। तो ये हो गया आपके पास में आउटर लेंस और उत्तर लेंस, लेंस के प्रकार। तो अब अगला जो टॉपिक आपके पास में वो है आपके पास में लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इस टॉपिक को करवाने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि मैंने दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको पढ़ाई थी, सेम है, क्या है, सेम है, पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आपके पास में लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या क्या है। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसके अंदर फर्स्ट आपके पास में वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र सी किसे कहते हैं। तो यहां पे ध्यान देना भाई कि लेंस को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, लेंस को जिस गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, उस गोले का केंद्र ही, उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है आपके पास में, वक्रता केंद्र सी कहलाता है। उससे आगे सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, वक्रता त्रिज्या आर। तो वक्रता त्रिज्या आर क्या होगी कि लेंस को जिस खोखले गोले का या गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस गोले की त्रिज्या ही क्या होगी, वक्रता त्रिज्या आर होगी। उसके बाद में वहां पे दर्पण के अंदर आपके पास में ध्रुव बिंदु था, यहाँ पे आपके पास में प्रकाशिक केंद्र होगा, नाम ही चेंज है और कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र ओ होगा। तो प्रकाशिक केंद्र ओ किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण, वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर वह बिना विचलन के क्या हो जाती है, सीधी अपवर्तित हो जाती है, क्या हो जाती है, सीधी अपवर्तित हो जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। दोबारा से डेफिनेशन सुन लेना कि वह बिंदु मुख्य अक्ष के ऊपर, वह बिंदु जिस पर प्रकाश किरण आपतित होने पर अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उससे के पश्चात हम आप निकाल सकते हो मुख्य अक्ष, उससे पश्चात हम आप निकाल सकते हो क्या, वो मुख्य फोकस दूरी, और काफी सारे जो भी हैं आपके पास में सारे डेफिनेशन यहां से निकाल सकते हो, सेम है जो दर्पण में आपने पढ़ी थी। तो अब इससे अगले वाला जो टॉपिक आपके पास में वो है आपके पास में लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण, लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण, इसको अच्छे से समझना। तो आपके पास में मैंने इससे पहले वाले गोलीय दर्पण के अंदर आपको पढ़ाया था कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण, तो अब हम पढ़ेंगे लेंसों या लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण, प्रतिबिंबों का निर्माण। तो क्या होगा भाई, ध्यान देना कि आपके पास में लेंस के ऊपर प्रतिबिंब बनाने के लिए, लेंस के ऊपर प्रतिबिंब बनाने के लिए दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे दर्पण के ऊपर प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों की क्या थी, आवश्यकता थी, उसी प्रकार लेंस के ऊपर भी प्रतिबिंब बनाने के लिए दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो मान जिसमें जो पहली प्रकाश की किरण है, जिसमें जो पहली प्रकाश की किरण है वो सदैव क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो सदैव मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर आपतित होती है, तथा अपवर्तन के पश्चात कहां से, मुख्य फोकस से गुजर जाती है, अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है।
पहला तो ये हो गया। सेकंड क्या होगा आपके पास में, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र ओ से क्या होती है, आपतित होती है। प्रकाशी केंद्र ओ से क्या होती है, आपतित होती है। तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधी आगे निकल जाती है। और जो थर्ड है वो है आपके पास में, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से आपतित होती है। मुख्य फोकस से क्या होती है, आपतित होती है। तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से क्या होती है, आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसलिए हमने यहां पढ़ लिया है, पहला है आपके पास प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। सेकंड पढ़ाया हमने, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र ओ के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधी निकल जाती है। और जो तीसरा है आपके पास में, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से क्या होती है, आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब आगे के जो टॉपिक है अगली क्लास में करेंगे। तो सभी भैया बहना इन टॉपिकों को अच्छे से समझ लेना। किसी भी भैया बहना को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं, उन टॉपिकों को दोबारा से रिपीट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।